दोस्तों नमस्कार टीवी इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोविड 19 के संक्रमित मरीजों की संख्या और लोगों की हो रही मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू ने चिंता जताई है डब्ल्यू के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा की भारत में कोविड नाइन्टीन के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं और सरकार को सही आंकड़े को छुपाना नहीं चाहिए वायरस के जानलेवा वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ के विभिन्न दलों के बीच चर्चा जारी है दरअसल भारत में अब तक कोरोना के कारण ढाई लाख मौतें हो चुकी हैं जबकि देश में सैतीस लाख पंद्रह हजार दो सौ इक्कीस एक्टिव मरीज हैं एक तरफ जहां डब्ल्यूएचओ ने कोविड संक्रमण पर चिंता जताई है वहीं ताजा आंकड़े राहत का संकेत दे रहे हैं जानकारी के अनुसार कोरोना मामले में गिरावट दर्ज हुई है पिछले 24 घंटे में भारत में तीन लाख उन्तीस नए मरीज मिले हैं जबकि अड़तीस सौ छिहत्तर मौतें हुई है इस दौरान तीन लाख छप्पन हजार बयासी लोग कोरोना को हरा कर घर लौट चुके हैं दुनिया भर के देशों के बीच भारत में कोरोना खतरनाक स्थिति में है कई देशों ने अपने यात्रियों को भारत में यात्रा नहीं करने की सलाह दी है भारत में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा बनी हुई ऐसे में अब स्वास्थ्य वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी करने में लगे हैं दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया है कि अगर हम अभी ना समले तो तीसरी लहर में एक गलती से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और इस बार महामारी की चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं उन्होंने कहा कि ये लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि कोरोना की दूसरी लहर इतना कहर बरपा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा हो रही है इसे देखते हुए बीजेपी के 77 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है मोदी सरकार को पश्चिम बंगाल से मिल रही शिकायतों के आधार पर गृह मंत्रालय ने सभी नव निर्वाचित विधायकों को सुरक्षा देने का यह फैसला किया बता दें कि बंगाल में बीजेपी के अधिकांश सांसदों को केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते सरकार ने एक निर्देश जारी कर विधानसभा परिसर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रवेश पर रोक लगा दी है भारत के खिलाफ विरोधी रुख रखने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे फिलहाल उन्हें इस्तीफा देना होगा जिसके बाद 13 मई को नई सरकार की तस्वीर साफ होगी गौरतलब है कि नेपाली संसद में कुल दो सांसद हैं जिनमें से चार सांसद निलंबित हैं विश्वास मत की वोटिंग में दो सांसदों ने हिस्सा लिया था इनमें से एक चौबीस ओली के विरोध में जबकि तिरानबे ओली के पक्ष में रहे वहीं पंद्रह सांसद वोटिंग से गैरहाजिर रहे जाहिर हफ्ते भर में नेपाल में प्रधानमंत्री बदलने के आसार यूपी के कद्दावर समाजवादी नेता आजम खान की हालत नाजुक है कोरोना के कारण बीमार आजम खान को सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में लाया गया है जहां सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने के कारण उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया फिलहाल आजम खान ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं बता दें है कि जमीन हड़पने के तमाम विवादों में गिरफ्तार आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला पिछले चौदह महीनों से सीतापुर जेल में बंद थे दोनों एक मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे तभी से उनका इलाज चल रहा है मुंबई की तरह बिहार के जहानाबाद जिले में नई फिल्म सिटी तैयार हो रही है दिग्गज फिल्म निर्माता हैदर काजमी बिहार के जहानाबाद जिले की अली नगर पालिका में फिल्म सिटी का निर्माण करवा रहे हैं ये जगह पटना एयरपोर्ट से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है दरअसल बिहारी कलाकारों के साथ साथ यहाँ के सिनेमा को आगे बढ़ाने और स्थानीय कलाकारों को मौका देने के लिए इस फिल्म सिटी की जरूरत महसूस की जा रही थी जिसे लेकर हैदर काजमी ने पहल की बारह एकड़ के एरिया में इस फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो गया है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है यह जानकारी खुद पप्पू यादव ने ट्वीट करके दी है उन्होंने लिखा कि मुझे गिरफ्तार कर पटना के गांधी मैदान थाना लाया गया है दरअसल बीते हफ्ते पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठाया था पप्पू यादव ने दूसरे ट्वीट में कहा कि कोरोना काल में जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जूझना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ पीएम साहब सीएम साहब दे दो फांसी या भेज दो जेल झुकूंगा नहीं रोकूंगा नहीं लोगों को बचाऊंगा बेईमानों को बेनकाब करते रहूंगा आरजेडी ने पप्पू यादव का समर्थन किया है कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक महिला के साथ बलात्कार की हैरत अंगेज घटना सामने आई है इस पर सख्ती दिखाते हुए महिला आयोग ने किसान नेता योगेंद्र यादव को नोटिस भेजा है आरोप है कि यहाँ टिहरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल से आई एक कोरोना पीड़ित महिला के साथ रेप हुआ जिसके बाद उसकी मौत हो गई गैंग रेप के इस मामले में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ नामजद एफ दर्ज किया है वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने किसान नेता योगेंद्र यादव को नोटिस भेजकर घटना पर जवाब मांगा है हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल बिज ने भी आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग पार्किंग घोटाला से जुड़े मामले में केस दर्ज कर लिया है एंटीलिया केस और हसमुख मर्डर के बाद सचिन वाजे वसूली प्रकरण में खुलासे के बाद ये सारे मामले सामने आए हैं इसे लेकर सेक्रेटरी कुंदन और पलांडे के खिलाफ भी एफ दर्ज की गई है इस पर बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बड़े घोटाले हुए हैं इसलिए अनिल देशमुख के बाद अब अगली बारी मंत्री परब की है बता दें कि अनिल देशमुख फिलहाल बर्खास्त हैं और उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने सभी महानगर पालिकाओं को जरूरी मेडिकल इंतजाम करने का निर्देश दिया है तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक मानी जा रही है बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने नोइंबई मनपा से इसके लिए जरूरी इंतजाम करने की मांग की थी जिसे लेकर मनपा

देखते रहिए टीवी1 वन इंडिया नमस्कार लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।